अरे बाबा थोड़ा सा तुम कैमरे को कर लो ना, शायद सबका काम हो जाएगा। और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस हैं, काम लगा कर रही है। देखा हुए सरकार बनी तब से है। अरे नहीं हो रहा बाबा, हाथ में कोरोना आया हो तब जम के सेवा की जनता की, जनता हम नहीं उम्मीद करते। हाथ छोड़ो यार, हाथ हाथ छोड़ो। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति बेहतरीन से बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ी होती है विचारधारा की, नीति में कार्यक्रम समझ आता है, पार्टी में आए जाए कोई। आप क्यों पकड़ रहे हो यार, माइक मत पकड़ो। इधर देखो मेरे माइक बहुत ऊपर कर रहे हो यार, ये नहीं और नीचे करो माइक। उनके साथ में पैसे की डील लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में, पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको, सेकंड कितनी मिलेगी आपको, टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। ये जो मीडिया हिंदुस्तान में बोल रहा है, मीडिया आपका अभी ये रुक रहा है, इंग्लिश मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, मैं डिजिटल की बात तो कम करता हूँ, जो राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि ईमानदारी से सत्य के साथ दे। डेमोक्रेसी खत्म करना लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया। मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो यार, आगे में हो फिर भी दोस्त, क्या मीडिया की ड्यूटी नहीं है क्या? अगर वो चौथा स्तंभ कहलाता है उसकी ड्यूटी बनती है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, जेल जाना पड़ा जेल जाए। आज वो उल्टा काम कर रहा है, उन तत्वों को सपोर्ट कर रहा है जो कि बीजेपी के बंधक है, जिन्होंने किस्तें ले रखी है वहां पर अंदर बैठे हुए लोग, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है। थैंक यू सर। जैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, ये लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है, मेरे पास बैठे हुए लोग हैं, मना कर दिया। क्या सुनना चाहते हैं मीडिया, हमारे देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है भैया? कैमरा थोड़ा पीछे लगा रहा है। देखो कांग्रेस से और गांधी परिवार से इनको व्यक्ति की नाराजगी है, अपने दिल में रखे। वो जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है, जनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं एमएलए, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता उसकी ड्यूटी नहीं है क्या आवाज उठाए? ऐसे ऐसे मीडिया के लोग बैठे हैं देश के अंदर, उनके पास धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है। साजिश होते लोग केंद्र सरकार से, बीजेपी से मिली भगत करते हैं, नई पीढ़ी के लोग आए हैं मीडिया के अंदर, अच्छे एंकर हैं। मुझे गर्व है कि देश के अंदर अच्छे एंकर हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़की है, हमारी बहने हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको चाहिए ईमानदारी के साथ। उनकी जिंदगी लंबी पड़ी हुई है, उनको भूलना नहीं चाहिए, आपकी लंबा जिंदगी बिताना है, देश को एक रखना है, अखंड रखना है। डेमोक्रेसी किसी कीमत में खत्म नहीं हो, 76 साल तक कांग्रेस ने बचा रखा है, पाकिस्तान इधर नहीं होना चाहिए देश को। अब जो लोग आए वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, खरीद रहे लोगों को, और ये आपकी यंग पीढ़ी के लड़के लड़की हैं, एंकर बने हुए हैं, ये आपके मीडिया के जो बड़े लोग भी हैं, तमाम लोग जो है एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, पूरी मेजोरिटियां बैठी हुई है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले पसंद करेंगे? वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर,
ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग कही जा रही है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है। एसओ जी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओ जी ने। हमने कम्प्लेन की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ कुंडल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन लगे किसे कहते हैं? अगर उस पर नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात को दो बजे रवाना किए जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे? ये कुछ हो ही नहीं रहा था। सफाई वो ही दे रहे थे नेता जो कुछ षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र पार्ट थे। बहुत यार डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो बच्चे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टेज नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। क्या ये चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी नहीं है तुम लोगों की? बीजेपी एमएलए के खड़े होते तुम लोग, हमें खुशी होती है। धूप में बरसात के अंदर खाना मिले नहीं मिले तंग आते आप लोग, आपकी मजबूरी है। आज हल्द ऐसी बना रखी है मोदी सरकार ने कि नौकरी जा रही तुम लोगों की, तनख्वाह कम हो रही है। हम सरकार मदद कर रहे हैं आप लोगों की, तनख्वाह बच जाए कम से कम इनकी। प्रदेश में मैं मदद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग मजबूरी में काम कर रहे हो, पर आपको हेडलाइन चाहिए बस। हेडलाइन बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भले ही न्यूज गलत दो, कुछ भी करो। डेमोक्रेसी कमजोर तो होने दो, हॉस्टेडिंग हो तो होने दो, खरीदारी हो तो होने दो, भले ही। ये आपकी ड्यूटी है क्या? सर जो नोटिस दिया है स्पीकर ने 19 एमएलए को, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियो और इनकम टैक्स की कार्रवाई क्या कर रही? छापे क्यों पड़े परसों? आज बताइए परसों छापे क्यों डाले इनकम टैक्स के? आप सीबीआई इनकम टैक्स ईडी दुरुपयोग करें, आप डराओगे लोगों को? नहीं जा रहा यार, खतरे हैं, खतरे मत बाबा। और क्या करो, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल ऐसी राजनीति करते हो गए। नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर हम लोगों की, 40 साल पहले थी उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने, जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। कि नई पीढ़ी जो आई है जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी रहता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आजा बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे इनको, केंद्रीय मंत्री बन गए, हम पीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़े होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉस्टेडिंग को पसंद करेंगे, हॉस्टेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉस्टेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे। मीडिया को दिखता नहीं है क्या? बात किसकी बात कर रहे हैं? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है सर। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका सर?
तुम्हारे, ये सब देखा जाता है आपको सर। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। सर आपके पास अभी क्या?